तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं कि हम लोग जो है जो प्राचीन इतिहास जो हम लोग जो कवर कर रहे थे एनसीईआरटी के जो सीरीज में, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सीरीज में जो है हम लोगों का जो है ये हम लोग क्लास 12 अभी कवर करेंगे। और क्लास 12 में जो ये चैप्टर नंबर हम लोग का फर्स्ट है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कल हम लोग जो आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप उसको जरूर देख लें। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई और समस्या हो, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। अगर ठीक है ना, कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं पढ़ाने से पहले। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्लास का टाइम जो है, हम लोग की जो क्लास की टाइम है, आपको देखिए जो 7 बजे जो मॉर्निंग में आपको क्या मिलेगा, तो आपको 7 बजे मॉर्निंग में एनसीईआरटी की सीरीज मिल जाएगी, जिसमें हम लोग जो है अभी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और ये हिस्ट्री कौन सी है? तो क्लास 12 है, 12 है, ठीक है। फिर आपको 8 बजे जो है एंशियंट हिस्ट्री की जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है, जो अपने आप में क्या है, तो कंप्लीट जीएस है, उसके बाहर आपको जो है कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, उतना अगर कवर कर लेते हैं तो आप अब जो है एग्जाम देने लायक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको क्लास मिलता है 9 बजे इंडियन पॉलिटी की, इस क्लास को ज्वाइन करिए, ये क्लास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर जो 10वां नंबर है, सॉरी जो 10 बजे जो आपकी क्लास आएगी वो इंडियन इकोनॉमी की है। तो यही सारी हम लोग की क्लासेस हैं, या आप जो है आकर देख सकते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा आप जो है समझ लेते हैं इस चैप्टर को, उसमें चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे। तो दिया है ईटे, मन के तथा अस्थियां, और इसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको पढ़ाया है, जीएस फाउंडेशन में भी पढ़ाया है, और एनसीईआरटी के क्लास 6 में भी पढ़ाया है, और यहाँ भी आपको मैं बता रहा हूँ क्लास 12 के पार्ट 1 में। इसके मैं बता दूँ कि 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में जो है एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है। तो हम लोग एंशियंट कवर कर रहे हैं, फिर भाग 2 आएगा, फिर भाग 3 आएगा, इससे आपका पूरा पूरा इतिहास का जो बेसिक फाउंडेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता है, तो इस पूरे चैप्टर में आपको जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े जितने सारे जो जो नियमावली है, जो जितने सारे जो वहां पर जो आपको जो देखने को मिलता है, जो जो स्रोत मिले हैं, आप जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जो साहित्यिक स्रोत मिले हैं, जो वहां से वस्तुएं मिली हैं, जो कंकाल मिले हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, तो कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं, ईंटें कैसे होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो मन के जो घड़े वड़े वो टाइप के होते हैं वो जो है उसकी जो है कैसी बनावट होती है सिंधु घाटी सभ्यता में, और जो अस्थियां प्राप्त हुई है मानव अस्थियां उससे क्या जानकारी मिलती है, सारी बातों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखेंगे हम लोग कोई भी इसमें पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, हर पॉइंट को पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि एनसीईआरटी जो आपको फिर जाएगा दोबारा किताब खोल करके फिर बैठ करके पढ़ना है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यही इसका काम खत्म कर देंगे। कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है हड़प्पाई मुहर, चित्र 1.1। ये देखिए ये क्या है, तो हड़प्पा की मुहर है। ये क्या है? तो हड़प्पा की मुहर है, समझ रहे हैं, हड़प्पा की मुहर। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री क्लास 6 में भी समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग को समझना है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा और मॉडर्न चीज दिया हुआ है, और थोड़ा सा बढ़ा कर दिया गया है, जानकारी में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है। अब देखिए जो हड़प्पाई मुहर जो है, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। देखिए ये जो मतलब इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इस लाइन में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ये मुहर है अपने आप में क्या है, कि स्पेसिफिक है, एक विशिष्ट है, क्योंकि इससे जानकारी मिलती है। इसमें जानकारी क्या है मैं आपको बता दूं कि इसमें जानकारी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो लिखावट है, यानी जो साहित्यिक स्रोत है, तो वो आपको यहाँ पर भाषा देखने को मिलेगी। ये जो भाषा आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, तो ये क्या है, तो ये भाषा हो गई ना। फिर जो एक श्रृंगी वाला पशु है, जिसे जो है मतलब इसमें एक सिंह होता है, तो इसमें जो है ये पता चलेगा कि हाँ जो इस ये जो पशु है इसकी महत्व जो है उस समय ज्यादा होता होगा। और ये जो आपको दिख रहा है जो ये फिगर में जो है, ठीक है ना, तो ये यहाँ का जो है लिखावट है, मतलब लिपि है, समझ सकते हैं आप लोग। तो इस लिपि को जो है भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, इसी को जो है अंग्रेजी में पिक्टोग्राफी लिपि कहते हैं, ठीक है ना। तो समझा रहा आपको, तो इंपॉर्टेंट है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि का चिन्ह जो है इसमें उत्कीर्ण किया गया है, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। याद रखेंगे कि जो इसमें जो जानवर जो जिसमें दिया गया है, ठीक है ना, इसमें जो है किसका फिगर बना हुआ है, एक जानवर का, लेकिन बता क्या रहा है इसमें कि जो ये आपको जो दिख रहा है
जो ये लिखावट जो दिख रही है ये एक लिपि है, ठीक है, और इस लिपि को अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस में रखते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। किसमें रखते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में। अब देखिए, फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा जो है पीछे छोड़ी गई पुरा वस्तुओं, जैसे उनके आवास हो, मृत भांड समझ रहे हैं ना आप लोग, इसमें खाना वाना बनाते हैं वैसा, और आभूषण हो, औजार हो, मुहर हो, और जो है इसको देखिए अब इन्हीं चीजों को क्या कहते हैं। अब देखिए, जो जो मृत भांड हो गया, जो आवास हो गया, जो आभूषण हो गया, औजार हो गया, जो है एक तरह से हम मुहर भी कह सकते हैं, इसी को जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी कहते हैं। यहाँ से आप समझ लेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं। अगर मैं आपको बाद में, अगर जीएस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आप कहीं और पढ़ रहे हैं, अगर पुरातात्विक साक्ष्य आता है तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं। तो मानव द्वारा जो है उपयोग की गई जो वस्तुएं हैं, जो मतलब फिजिकली रूप में है, जिसमें भौतिक रूप में जो है जो वस्तुएं हैं, जैसे कि उनके द्वारा जो है जिसमें वो खाना बनाते थे, जहाँ वो जो है निवास करते थे, और जो आवास है उनका, जो घर है, जिन मुहरों का जो है जो इस्तेमाल करते थे, जिन आभूषणों का इस्तेमाल करते थे, वो किन किन औजारों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि वो हल जोतते थे कि नहीं जोतते थे, ठीक है, ये सब कहाँ आ जाएगा आपका, तो पुरातात्विक साक्ष्य में। तो जो ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इनसे हम लोग को क्या मिलती है, तो जानकारी मिलती है, और ये जानकारी एक बहुत ठोस जानकारी हो जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ये जो मोहर मिला है, इस मोहर से भी हमें बहुत जानकारी मिलती है, और भी जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ठीक है, पुरातात्विक शास्त्र में हम बता लेंगे कि जो है पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं, इसको जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी कहते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए ना कि हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, तो एक जो है मतलब अगर इसमें कुछ साक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा, पुरातात्विक साक्ष्यों से, यानी एविडेंस से। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, और चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पर, हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये मतलब जो इतना जो पार्ट दिया है आपका, इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज यहाँ से आप लोग समझ लेंगे, यहाँ से क्या निकल कर रहा है, तो आपका जो है पुरातात्विक साक्ष्य और एक ये जो है मुहर, ये आप भूलेंगे नहीं, ये हड़प्पाई मुहर है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का मुहर भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो दिक्कत होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं, लेकिन अगर अगर जो है आप हमसे पूछेंगे कि इन दोनों में से सबसे जो है मतलब रियल कौन है, रियल मतलब मेन नाम कौन है, तो देखिए मेन नाम का मतलब जो है, अगर आप हिस्ट्री को अगर बहुत जो है ग्रेजुएशन लेवल तक समझना चाहते हैं, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है ना, ये डिबेट का विषय हो जाता है, डिबेट समझ रहे हैं ना आप लोग, इतिहास एक डिबेट का विषय है, लेकिन क्लास 12 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो वहां पर आपके जो है डिबेट देखने को मिलता है, कि मतलब जहां पर वस्तु जो स्पष्ट ना हो, कुछ चीजें जब स्पष्ट नहीं होती हैं तो वहां पर डिबेट का माहौल होता है, लेकिन फिर भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में मेन जो है जो रियल नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक तर्क है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता जब खोजा गया, तो जो सबसे पहला जो नाम खोजा, जो सबसे पहला जो खोजा गया जो शहर था, उसी का नाम क्या था, तो हड़प्पा, ठीक है, तो इसी के नाम से जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है, हड़प्पा संस्कृति भी पड़ी है, तो याद रखेंगे कि इसे हड़प्पा सभ्यता वैल्यू जो है वैलिड नहीं मानते हैं, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये नहीं होता एक वैलिड में एक वैलिड, तो वो हड़प्पा संस्कृति है। पुरातात्विद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं,
हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरें, मन के जो बाट माप होती हैं उनकी, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें शामिल हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू जो है, जम्मू वाला जो क्षेत्र है, बलूचिस्तान है जो आज का पाकिस्तान में है, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है, एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, ये जो सारी चीजें जो मिली हैं क्या है, तो जो है इस सभ्यता का नामकरण जो है हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी इसी के नाम पर रखा गया है। याद रखेंगे यहाँ से इसका काल निर्धारण जो है लगभग 2600 और 1900 ईसा के पूर्व के बीच में किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, इसमें आपको थोड़ा सा समस्या होगा। ये सब क्या है, तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ना 16x16 क्या मिले हैं, 16x16 के गुड़स में एक बांट माप मिला है, एक तरह से बटखरा मिला है। बटखरा समझ रहे हैं ना आप लोग, गांव के लोग समझ रहे होंगे, जैसे किलो मान सकते हैं, जिससे मतलब एक मापदंड। ठीक है ना, इससे क्या होता है तो व्यापार करने में आसानी होती है क्योंकि आप एक निश्चित वस्तुएं जो है किसी को दे पाते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना यहाँ पर आपको तीन फेज देखने को मिलेगा। पहला जो फेज मिलता है जो है, मान लीजिए एक जो है देखिए परतदार सिस्टम है, पहला जो फेज मिलता है तो ये कैसा होता है, तो ये भी बच्चा सभ्यता है, बच्चा वाला। ठीक है ना, अभी इसका जो है स्टार्टिंग वाला, ऐसे हम लोग नवपाषाण काल खत्म होता है, फिर ताम्रपाषाण जो है ताम्रपाषाण है वो नवपाषाण काल खत्म होता है, फिर इसके बाद से आपको मैंने बताया है कैसे शुरू होता है, जब मैंने आपको जो है एंशियंट हिस्ट्री की जो जीएस फाउंडेशन क्लास है इसी इसी जो है चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां पर भी हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझे हैं, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पहला कौन होता है, तो बच्चा सभ्यता होता है। फिर ये क्या होता है ना कि युवा एज में आता है, इसी को जो है रियल सिंधु घाटी सभ्यता करते हैं, और इसी का टाइम पीरियड कितना है तो 2500 से 1520। ठीक है ना, कितना दिया है, 2500 से 1520। कई जगह जो है आपको कई जो है नाम देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो एंशिएंट में जो नाम दिया होता है उसे आप वैलिड मानेंगे। ठीक है, फिर इसी के बाद एक और आता है, इसके बाद से जब इसका जो पतन होने लगता है, इसका पतन कैसे होता है, तो अपने मोहन जोदड़ो फिल्म देखा होगा। ठीक है, तो मोहन जोदड़ो फिल्म में क्या होता है कि जो सिंधु नदी है वो अपना क्या करती है कि रास्ता बदल लेती है, और जो रास्ता बदल करके जो है शहरों के बीच में आ जाती है, और पूरा का पूरा जो है शहर बर्बाद हो जाता है, कहीं सूखा हो जाता है, फिर कहीं बाढ़ आ जाती है। इसी जो है युवा एज का जो है अंतिम पीरियड जो होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का डाउनफॉल होता है। ठीक है, इसका मेन कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन को। कई लोग जो है बहुत सारी चीजों का देते हैं, लेकिन रियल क्या है, तो जलवायु परिवर्तन की वजह से यह सभ्यता नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, फिर जब ये नष्ट हो गई, जब ये लोग उजड़ बसड़ गए, तो यहीं पर जो है एक जो है बूढ़ा जो सभ्यता कहा जाता है, बूढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका जो है डाउनफॉल हो गया था, तो एक युवा इसको जो है रियल माना जाता है। तो ये आप समझ रहे हैं, ये तीन परतदार चीजों के बारे में बता रहा है भाई। देखिए जब हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह प्रथम नगरीकरण है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है तो प्रथम नगरीकरण है, तो आखिर जो प्रथम नगरीकरण बना होगा तो एकदम डायरेक्ट थोड़ी बन गया होगा कि एकदम आज हम लोग जो है एकदम गांव वाले हैं और कल एकदम सुबह होते ही एक शहर में तब्दील हो गए, ऐसा तो होता नहीं होगा। क्या होता होगा, होता होगा सॉरी मतलब क्या हुआ होगा, आप भी समझ सकते हैं कि धीरे धीरे विकास हुआ होगा, लोग जो है व्यापार कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे, और जब उनके पास ज्यादा पैसा हो जा रहा होगा तो क्या कर रहे होंगे, तो विदेश व्यापार। और आपको विदेश व्यापार से आपको पता होना चाहिए कि विदेश व्यापार से आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी विदेश व्यापार किए हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है इनके जो है लाभ में जो है बढ़ोतरी होती है और लाभ इनका बढ़ता जाता है। तो वही बात है यहाँ पर समझाई गई है, बात समझ आ रही है आपको, तो ये चीज आप लोग ऐसे समझ लेंगे, डाउट नहीं रखेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ और समझा दूँ इस फिगर में। देखिए क्या दे दिया है, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कुछ उल्टा सा दे दिया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंध। ठीक है ना, ये क्या है, ये सिंधु नदी है, सिंधु क्षेत्र है, और ये मोहन जोदड़ो है, क्या है, मोहन जोदड़ो है। यही देखिए जो नदी आ रही है ना सिंधु वैली, तो फिर यही क्या करती है कि यहाँ से रास्ता बदल लेती है और शहर के बीच में घुस जाती है और पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। ठीक है,
ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो जो है धवला बिरा इसी का क्षेत्र है, चनहुदड़ो शहर है, आमरी शहर है, बालाकोट शहर है, सुतकांगड़ो है, इसी में देखिए जो समुद्र किनारे वाले जो शहर है उसको याद रखेंगे। यहाँ पर ये बंदरगाह वाले शहर है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, तो जो है राखीगढ़ी यहाँ से मिला है, फिर से कालीबंगा, बनावली, बनावली से क्या मिला है, तो बनावली से जो है एक जो है 7 तल्ला मकान, 7th फ्लोर वाला मकान मिला है यहाँ से, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अगर एनसेटिम दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री में आपको जो जीएस की जो बैच हम लोग जो पढ़ाए हैं उसमें आपको मैंने बहुत डिटेल में हर जो क्षेत्र का जो भी वहाँ से जो पाया गया है वो मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है, याद रखेंगे ठीक है। ये सारी नदियाँ हैं इस समय, ये मांडा जिला है जो जम्मू में पड़ता है, जो इसे जो है सबसे सबसे उत्तरी स्थल भी इसको माना जाता है, उत्तरी स्थल जो है मांडा ठीक है। इसमें कई सारी चीजें हैं जो हम लोग बाद में देखते रहेंगे ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लोथल ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है आगे। आरंभ, इसमें पॉइंट वाइज में दिया है तो हम लोग को पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि अगर पॉइंट में दे देता है तो हम लोग को पढ़ने में बहुत जो है मुश्किल नहीं होती है। तो पहला में क्या दिया है, तो पहला में दिया है आरंभ, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृदभान शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें अब बड़े आकार की संरचनाएं लगभग 9 के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमानों पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से, कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। अब देखिए यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास में क्या पढ़ना होता है, तो इतिहास में हम लोगों को अब परिवर्तन पढ़ना होता है। तो मैंने आपको जो है बताया है 5 लाख पहले का इतिहास मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री में बता रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हैं कैसे जो वहां पर जो है आदि मानव वाला जो सिस्टम होता है, फिर वो जो है पत्थरों का काल होता है, फिर से इसमें बदलाव होता है, फिर मध्य पाषाण काल आता है, फिर पूरा पाषाण वाला जो सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर इसी में नव पाषाण काल आता है ठीक है। तो फिर समझ में आ रहा आपको। अब यहां पर देखिए सेकंड में क्या दिया है, तो सेकंड में दिया है जो है निर्वाह के तरीके ठीक है। तो निर्वाह के तरीके जो है इसका जो मेन आपका जो यहाँ से टॉपिक है इसको आप हम लोग जो है कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है ठीक है ना। सिंध और चेलिस्तान में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े, कुछ आंकड़े भी दिया है आपको देख लेना है, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा लेकिन या आपके एग्जाम में ऐसा आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आप इसको देख लीजिए क्या दिक्कत है। इसमें क्या दे रहा है जो है मतलब संख्या दे रहा है कि इसमें जो है किन किन क्षेत्रों में कितनी सारी संख्याएं थी, तो जो है बस्तियों की जो कुल संख्या है वह सिंध में जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर 106 है, फिर विकसित हड़प्पा आपको यहाँ पर 65 देखने को मिल सकता है, फिर ये सारे आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो है डेटा दिया हुआ है। तो हम लोग कल देखेंगे निर्वाह के तरीके, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है इसमें हम लोग देखेंगे जो है कृषि प्रौद्योगिकी उनका कैसा रहा है, फिर से कृषि प्रौद्योगिकी को देखेंगे, और फिर यहाँ से देखिए मोहन जोदड़ो के बारे में जो है स्थल दिया हुआ है इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या बातें दी गई है ठीक है। और ये निचला शहर और जो है ऊपरी शहर क्या होता है, आपने सुना होगा दुर्ग क्षेत्र नगर क्षेत्र, तो दुर्ग नगर क्षेत्र क्या होते हैं इनको भी हम लोग कल देख लेंगे। तो आज क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है कर लेंगे। थैंक यू।